सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। ममता और सिद्धार्थ आनंद का डेब्यू, डीपी और एचआर की जोड़ी लगेगी कैसी? क्या दीपिका को मिलेगी फिर से हॉलीवुड में एंट्री? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रीशा और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद आर बैक टुगेदर। नहीं, बैक टुगेदर एक और एक्शन मूवी के लिए। डायरेक्टर सिद्धार्थ इस बार एक एरियल एक्शन फिल्म के साथ नजर आएंगे जिसमें ऋतिक लीड रोल में है। ये इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म है जो इंडियन आर्मी के संघर्षों को दिखाएगी। ऋतिक के साथ इसमें सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। पहली बार हमें ये दो टैलेंटेड नौजवान बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेंगे, जिसके लिए फैंस बहुत ही एक्साइटेड है। मूवी सिद्धार्थ ने ऋतिक के जन्मदिन पर जनवरी में अनाउंस की थी और तब वो उनके साथ वॉर पे काम कर रहे थे। ये डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी ने बैंग बैंग और वॉर जैसी हिट फिल्में दी है। क्या ये अपनी तीसरी फिल्म भी देख के हैट्रिक बना पाएंगे? फाइटर का 250 करोड़ का बजट बताया जा रहा है और इसके लिए प्रोड्यूसर ममता आनंद और सिद्धार्थ आनंद की प्रोडक्शन कंपनी मार्फ्लिक्स के साथ साथ वाईकॉम एंटरटेनमेंट स्टूडियोज के सीओओ अजीत और रमन और अंकु पांडे रहेंगे। ये मूवी मार्फ्लिक्स का डेब्यू बनेगी और उसके भविष्य पर मोहर लगाएगी। आपको जान के खुशी होगी कि सभी प्रोड्यूसर इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड और इसी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। और डीपी और एचआर एक ही टीम में है और आपके लिए भरपूर एक्शन का खुमार लेके आ रहे हैं। अभी सिद्धार्थ, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और भी कई बड़े सुपरस्टार के साथ पठान पे काम कर रहे हैं जो 2023 में रिलीज होगी और इसकी शूटिंग से जुलाई तक वे फ्री हो जाएंगे। साथ ही साथ ऋतिक भी अभी विक्रम वेधा की शूटिंग में बिजी है और मई एंड तक ही टाइम निकाल पाएंगे। इस मूवी के लिए ऋतिक ने वेट भी बढ़ाया है पर फाइटर के लिए वो वेट लूज करते ही पर्दे पर दिखेंगे। डायरेक्टर ने उनकी तारीफ करते हुए बताया कि वो बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं, खुद को हर रोल में ढाल लेते हैं और अब उनका मानना है कि परफेक्शन लाइज इन इनपरफेक्शन। जी हाँ, ये जोड़ी काफी सफल रही है अभी तक। ऋतिक ने इंस्टाग्राम पे मार्फ्लिक्स को बधाइयां दी और अपनी एक्साइटमेंट भी व्यक्त करी। हमें इस फिल्म में अनिल कपूर भी नजर आएंगे पर क्या ये फिल्म वॉर की तरह 300 करोड़ रुपए का ग्रॉस आउटपुट दे पाएगी? जी हाँ, 300 करोड़, वो भी सिर्फ इंडिया में ही। सिद्धार्थ चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म भी पहली दो बैंग बैंग और वॉर की तरह गांधी जयंती पे रिलीज अगले साल 2003 में होगी। इसी अपडेट्स के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी खबरों के लिए।